हेलो एवरीवन, सभी भाइयों को बहुत बहुत स्वागत है द एजुकेशन वॉरियर में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। क्या भैया कार्बोहाइड्रेट्स कह क्या मतलब होते क्या हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो भैया स्टार्ट करते हैं। वे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह जटिल पॉलीकार्बोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीकार्बोक्सी कीटोन ग्रुप होते हैं। क्या जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे। अगर हम इनका जल अपघटन कर दें तो हमें एकमात्र ही सब्सटेंस मिलता है। ठीक है, अगर इनका जल अपघटन कर दें तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण भैया तीन भागों में किया गया है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। हम जानते हैं भैया मोनोसैकेराइड्स क्या होता है। तो मोनोसैकेराइड्स ये भैया क्या है, एक सरल सरल शर्करा है जिसका हम जल अपघटन करने पर जल अपघटन करने पर हमें कोई और नया सब्सटेंस नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, कोई नया सब्सटेंस नहीं प्राप्त होता है। जैसे ग्लूकोज, क्या चीज उदाहरण में ग्लूकोज भैया, ग्लूकोज हो गया या फ्रक्टोज हो गया। इसका फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, यही फार्मूला होता है ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। किसका, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला बिल्कुल ठीक यही होता है। ठीक है, अगला है भैया क्या ओलिगोसैकेराइड्स। क्या है ओलिगोसैकेराइड्स, यह एक जटिल कार्बनिक शर्करा है। क्या है, यह एक जटिल शर्करा है, जटिल शर्करा या आप कहिए जटिल कार्बनिक शर्करा है। कैसी है, जटिल कार्बनिक शर्करा है जिसका अगर हम जल अपघटन कर दें, जिसका जल अपघटन करने पर दो से, क्या भैया दो से दस, मोनोसैकेराइडों में अपघटित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, ठीक है, दो से दस मोनोसैकेराइडों में टूट जाएंगे या अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, अगर इसके उदाहरण की बात करें तो यही सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ठीक है, तो भैया ओलिगोसैकेराइड्स के तीन भाग हैं या तीन प्रकार से ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, जिसमें क्या सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ओलिगोसैकेराइड्स के मोनोसैकेराइड्स होते हैं। ये इसके तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, जिसमें भैया जो सुक्रोज है वो इसी को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल शुगर या
औद्योगिक शर्करा कहते हैं। क्या? औद्योगिक शर्करा कहते हैं इसको भैया। इसमें ग्लूकोज की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। क्या? ग्लूकोज की मात्रा सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगला माल्टोज क्या होता है? तो माल्टोज को भैया माल्ट शर्करा भी कहते हैं। और ये कहाँ से मिलता है? तो ये भैया स्टार्च से मिलता है। स्टार्च क्या होता है? पौधों में संचित भोज्य पदार्थ होता है। क्या? पौधों में संचित भोज्य पदार्थ को हम स्टार्च कहते हैं। ठीक है, या इसी को मंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंड भी कहते हैं। और ये है क्या? एक अपचायक शर्करा है। कैसी शर्करा भैया? अपचायक शर्करा होती है। ठीक है, अगला क्या? लैक्टोज है। तो लैक्टोज, जहाँ भी आपको लैक्ट शब्द मिले वहाँ का मतलब आप समझिएगा दूध। क्या? दूध से समझिएगा। ठीक है, और लैक्टोजन भी पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड भी पाया जाता है इसमें। दूध में कौन सा? लैक्टिक एसिड। ठीक है भैया, क्यों? क्योंकि दही, देखिए दही भैया किससे परिवर्तित होगा? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से। देखिए तो भैया जहाँ भी लैक्ट शब्द आए वहाँ आप समझिएगा दूध से उसका संबंध है। किसका संबंध? दूध से है। ठीक है, इसे दुग्ध शर्करा कहते हैं भैया। जो श्वेत, श्वेत मतलब सफ़ेद होती है और क्रिस्टलीकृत होती है एवं जल में क्या? घुलनशील हो जाती है। यानी आसानी से अगर पानी मिलाइए तो पानी में क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। ठीक है, अगला है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स भैया क्या होते हैं? ये भी क्या? ये भी जटिल कार्बनिक शर्करा है। जिसका हम अगर हम क्या करें जिसका हम जल अपघटन करें, क्या करें? जल अपघटन करें तो 10 से अधिक क्या? 10 से अधिक मोनोसैकेराइड में क्या? अपघटित हो जाता है। ठीक है भैया, ये भी क्या? 10 से अधिक मोनोसैकेराइड्सों में अपघटित हो जाता है। और यह कितना? ये भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का भैया? 3 प्रकार। तो भैया पॉलीसेकेराइड्स 3 प्रकार से हैं, जिसमें पहला स्टार्च है, जिसका फार्मूला भैया C6H10O5 का होलियन है। ये स्टार्च होता क्या है भैया? पादपों में संचित भोज्य पदार्थ होता है। क्या? पादपों में संचित भोज्य पदार्थ होता है। इसे हम क्या कहते हैं? मंड भी कहते हैं। और यही पदार्थ ही जो भैया रोज इकट्ठा किए रहते हैं पादप अपने खाना बनाने के फलस्वरूप, उसी को हम फल के रूप में देखते हैं और उसका हम सेवन करते हैं। वही क्या? हम लोग सेवन करते हैं। ठीक है, और ये भैया जो स्टार्च है वो आयोडीन के साथ स्टार्च नीला रंग देता है। क्या? आयोडीन के साथ जो स्टार्च है वो कैसा रंग देता है? नीला रंग देता है। अगला इसका प्रकार है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भैया मानव में संचित भोज्य पदार्थ होता है। ठीक है, और इसे जंतु स्टार्च भी कहते हैं या जंतु मंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मंड भैया क्या? पौधों में संचित भोज्य पदार्थ है, तो मानव में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन है, इसीलिए इसे हम क्या? जंतु स्टार्च भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतु स्टार्च भी कहते हैं। अगर हम इसका जल अपघटन कर दें, क्या कर दें? इसका अगर हम जल अपघटन कर दें तो ये ग्लूकोज में टूट जाता है। किसमें भैया? ग्लूकोज में टूट जाता है।
यही ग्लूकोज की मात्रा, क्या ग्लूकोज की मात्रा मात्रा को अगर नियंत्रित ना रखियर पाए, क्या नियंत्रित ना हो पाए या इस ना हो पाए या इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाए, क्या हो जाए इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाए, तो भैया एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं क्या शुगर, क्या शुगर या डायबिटीज या मधुमेह हो जाता है, क्या हो जाता है शुगर डायबिटीज या मधुमेह। इसको भैया नियंत्रित करने के लिए एक हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय के बीटा सेल से, किसके अग्नाशय के बीटा सेल से, बीटा कोशिका से स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन है तो वो हार्मोन क्या है, हार्मोन का नाम लिखिए भैया इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है, कौन इंसुलिन हार्मोन, जो भैया पैंक्रियाज के बीटा सेल से स्रावित होता है, किसके पैंक्रियाज के बीटा सेल से यह स्रावित होता है। ठीक है, अगला है भैया सेलुलोज। सेलुलोज भैया यह पादपों की एक जो लेयर बनती है भैया, ठीक है, वो क्या होती है सेलुलोज की बनी होती है, ये मानव जन नहीं पचा पाते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है C6H10O5 का होलियन, ये भी ठीक है। ये पौधों की कोशिका भित्ति होती है, शैलवाल होते हैं, क्या ये शैलवाल होती है, यह रंगहीन एवं गंधहीन होता है, क्या ये रंगहीन एवं गंधहीन होता है तथा इसका पाचन नहीं होता है, मानव इसका पाचन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो भैया आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और ढेर सारा वीडियो को प्यार दें, और जो भैया हमारे चैनल पे नए हैं वो वीडियो को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हम ऐसे ही रोज़ वीडियो लेके आते हैं, ताकि आसानी से उनको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उन तक पहुँचे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, बाय।